उसमें होता है क्या बेटा, एथेनॉल क्यों डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर इसकी, क्योंकि एथेनॉल जो है वो भी पॉलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। पॉलर डिसॉल्व्स पॉलर, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट है ये, कि पॉलर जो है वो पॉलर को डिसॉल्व कर सकता है, इसी वजह से जो है वो वाटर, दिस इज़ द रीज़न वाटर विल नॉट डिसॉल्व ऑयल, इसी वजह से वाटर जो है वो ऑयल को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। ये पॉलर मॉलिक्यूल है और पॉलर को भी डिसॉल्व करेगा, ठीक है। सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स, वीक कंडक्टर्स और नो कंडक्टर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वीक कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। और नो कंडक्टर का मतलब है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड इज़ दैट सोल्यूशन कंसनट्रेशन में हम इसकी बात करते हैं कि सोल्यूशन जो है वो हमेशा बहुत सारी बेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हमने मोलैरिटी मोलैरिटी का मेथड जो है उसको डिस्कस किया हुआ है 9th क्लास में भी, एम इज़ इक्वल टू मोल सोल्यूट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट करें मोलैरिटी सोल्यूशन की मोलैरिटी को, ठीक है, उसमें 1.56 गैशियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने डिजॉल्व कराना है, ठीक है, और उसमें आपने बनाना कितना सोल्यूशन है 26.8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम 9th क्लास में आपको कराया हुआ था, जहाँ पे आपने सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया था, उसमें हम पढ़ते बेसिकली यही है कि किस तरह वाटर जो है वो डिसॉल्व करता है एवरीथिंग को। अस्सलाम वालेकुम।